हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, घर में पुताई चल रही तो हमारे कमरे का भी नंबर आ गया। और देखिए, हमने सारा सामान इस कमरे में सेट कर दिया है दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान, यहाँ पुताई हो चुकी थी इसके वाले कमरे में, तो मैंने यहाँ पर सारा सामान सेट कर दिया। और देखिए कितना सारा सामान है। वैसे तो कोई सामान नहीं दिखता, जब कहते हैं ना जब सारा सामान निकालो तो बहुत सारा सामान निकलता है, और सारा सामान यूज वाला ही है, बिना कोई बेकार नहीं है। तो गाइस देखिए, पूरा कमरा भर जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, प्रॉब्लम होती है भी। थोड़ा थोड़ा सामान करो फिर भी बहुत सारा हो जाता है, कितना भी करो तो थोड़ा से थोड़ा सामान लेते फिर भी बहुत सारा। देखना हमारे इस कमरे में सारा सामान, मेरे हस्बैंड आ गए ड्यूटी से, बल्कि 9:30 बजे आप आते हैं ड्यूटी से, तब सारा सामान हम लोगों ने नीचे कमरे में खाली कर दिया था, बस ऊपर का रह रहा था। तो ये बोले ठीक है मैं आऊँगा भारी, तो मैं हटवाऊँगा आके सामान, तो ये हटवा रहे हैं। तो क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत होती है। यही है, भारी सामान तो फिलहाल इन्होंने निकाला था, हम लोगों से नहीं हो पा रहा था इतना सारा सामान निकालने में, तो बस मैं इनकी हेल्प भी करवा रही थी। बहुत सारा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे इशू भी बेचारा लग रहा था, तबीयत सही नहीं, लेकिन फिर भी हेल्प करवा रहा था, क्योंकि कह रहे लाओ, एक कहने देते सारे लोग लगोगे जब भी काम हो पाता है, और बहुत दिक्कत होती है। मैं तो सोच रही थी पुताई ना हो, लेकिन आंटी कह रही नहीं सारे कमरे में करवाएंगे, तो बस वही पुताई वगैरह का काम चल रहा है। तो यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं ड्यूटी से आके, बस टाँड का तो मैंने खाली कर दिया था, इन्होंने ही आके करा था। फिलहाल तो सारा सामान और बक्सा भाई यही था, तो बस यही लग रहे थे, तो मैं इनसे कुछ कह रही थी, तो ये बोले चलो जहाँ काम कर लो अपना। मैंने कहा कि सारा सामान निकाल रहे हो और फिर लगाने बहुत दिक्कत होगी, तो कह रहे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और सारा एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, जो आदमी ड्यूटी से आए फिर सारा सामान निकाले, है थकान तो हो ही जाती है, पर फिर भी थके नहीं, बोले चल तू कहाँ तक करेगी अकेली, तो वैसे ये हेल्प करने लग गए सारे लोग। तो बने रहिए हमारे में, देखते रहिए कितना सारा काम है, बहुत दिक्कत होती है गाइस। आप लोगों को तो पता है पुताई का काम हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये इन्होंने हेल्प कर दी तो सारा हो भी गया, अकेले हम लोग नहीं कर पाते इतना सारा काम, बहुत हो गया था। खाना बना के रख लेते थे और इसके बाद फिर हम लोग लगते थे खाना में, बाद में खाते थे, जब सारा सामान हो गया था बच जाते थे हम लोग, 11:30-12 बजे तक खाना खा पाती थी। तो इस तरह से सारा खाली हो गया, देखिए गाइस पूरा घर खाली कर दिया, और यहाँ पर पुताई वगैरह चलेगी, तो चले बने रहिए हमारे बड़े, देखते रहिए।
तो हो गया था, लेकिन पुताई का काम अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, पर हो गया, फिनिश हो गया। बस अब सामान सेट करना है और बस अचार मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत थक जाती हूँ क्योंकि बच्चे की तबीयत ऐसी ही चल रही है, तो फिर भी बहुत हेल्प करा दी उसने। और हस्बैंड जी आते रात को तो वो सामान थोड़ा बहुत वो लगवाते हैं, थोड़ा बहुत होम लगाते हैं, जो किराए पे रहो ना बहुत सारा, कितना भी थोड़ा करो ना बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, फिर उठाने में जब हम लोग खाली करते ना हम लोगों को पता रहती कितनी दिक्कत होती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत सारा हम लोगों ने सारा फितवा दिया है, लेकिन यही दुआ करती हूँ जब जब मैं यहाँ से जाऊँ अपने मकान में जाऊँ, इधर उधर धक्के खाने पड़े हम लोगों को, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं बड़े आराम से, रहे से कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से रह रहे हैं। तो बस यही है कि भगवान से दुआ करती हूँ अपने मकान में जाएँ, क्योंकि एक बार सामान खोल रखने करने में बहुत दिक्कत होती है, आप लोगों को पता है सामान टूटने फूटने का भी डर रहता है। लेकिन हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, जो हम लोगों की जो ड्यूटी से आते हैं फिर वो सामान सेट करवाते हैं, हम लोग कहते भी थक गए हुए, बोले कोई बात नहीं, ले फिर भी बहुत मोटा मोटा सामान तो वही रखवाते हैं, जैसे सेफ हुई, फ्रिज हुआ और गेहूँ की अभी टंकी हुई, ये सब चीज़ें तो वही रखते हैं, क्योंकि हम लोगों के बस की नहीं, अब बेड का सामान है तो वही सेट करेंगे आके। तो गाइस बस यही है हमारा आज का ब्लॉग, तो बताइएगा आप लोगों के यहाँ की पुताई होती ना बहुत दिक्कत हो जाती होगी, इसी तरह हमें भी दिक्कत हो रही है, अपना मकान में फिर दिक्कत नहीं होती, किराए पर ना दिक्कत हो जाती थी, ये सामान उधर हटाओ वो सब फिर वो करना पड़ता, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो